हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्योंकि आईआईटी जोधपुर से रिलेटेड कमेंट्स हैं तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि इसे एक बार एड्रेस करना चाहिए। सो देखिए, ये वेबसाइट है आईआईटी जोधपुर की, राइट? आप इस पे विजिट कर सकते हैं। सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो मेन्यू टैब दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करेगा, एक्सपैंड करेंगे तो ड्रॉप डाउन में आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, ठीक है? तो इसमें अकेडमिक्स को एक्सपैंड करिएगा, इसके बाद यहाँ एडमिशन्स है उसे एक्सपैंड करिएगा, देन यहाँ पीएचडी प्रोग्राम्स का है ऑप्शन, इसे एक्सपैंड करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन एंड पॉइंट्स हैं, राइट? जिसमें डिटेल्स भी हैं, एलिजिबिलिटी भी है, फ़ी भी है, इंपॉर्टेंट डेट्स, अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, देन पीएमआरएफ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, देन एफएक्यूज एंड कॉन्टैक्ट, ठीक है? सबसे पहले तो जो भी क्वेरीज हैं आप कॉन्टैक्ट सेक्शन विजिट कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप, ओके? नेक्स्ट, यहाँ पे इतने ऑप्शन हैं, बट जो फॉर्म रेगुलर होते हैं जैसे आपने बाकी आईआईटीज के देखे, वैसे अभी तक आईआईटी जोधपुर के नहीं आए हैं। बट हमने लास्ट सेशन में भी, आई थिंक मैंने लास्ट दो सेशन में डिस्कस किया है, रोलिंग एडवर्टीजमेंट यहाँ पे अवेलेबल होता है। तो आई एम नॉट श्योर कि फॉर्म कब आएगा या नहीं आएगा, बिकॉज आई थिंक हमने जब से डिस्कस करना स्टार्ट किया, आई थिंक लास्ट सेशन में भी यही हुआ था कि जो रेगुलर फॉर्म्स है वो एटलीस्ट मेरे मतलब मुझे नहीं दिखे थे। तो अभी के लिए अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप रोलिंग एडवर्टीजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, दो कट ऑफ डेट होती है। सो बेसिकली व्हाट इज रोलिंग एडवर्टीजमेंट, तो उसकी हम बात करते हैं। तो पहले यहाँ पे जो ऑप्शंस है ना, इसमें हम प्रोग्राम डिटेल्स, डेट्स, अप्लाई ऑनलाइन सारे ऑप्शंस हैं। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को क्लिक करते हैं। सो इसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। सो व्हाट इज अ रोलिंग एडवर्टीजमेंट, तो बेसिकली होता ये है, थ्रू आउट द ईयर आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दो कट ऑफ डेट्स होती है, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 20 अप्रैल होती है एंड सेकेंड सेमेस्टर के लिए 20 अक्टूबर होती है, ठीक है? यही है ना, वेट, यस, यहाँ पे कट ऑफ डेट, ठीक है? तो ये कट ऑफ डेट्स हैं। तो क्या होगा, जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है, ठीक है, तो 20 अप्रैल या आई थिंक ये डेट एक्सटेंड भी हुई थी लास्ट टाइम, सो जो भी कट ऑफ डेट थी उसके बाद से अभी तक 20 अक्टूबर से पहले, आई थिंक 19 तक या 20 तक में भी जितने एप्लीकेशंस होंगे उन्हें कंसीडर किया जाएगा सेकंड सेमेस्टर के लिए, फाइन? सो अगर अभी आप चाहते हो कंसीडर होना तो आप अभी भी अप्लाई कर सकते हैं 20 अक्टूबर तक, राइट? उसके बाद आप करेंगे इनकेस अगर डेट्स एक्सटेंड नहीं होती, यही रहती हैं, तो फिर क्या होगा कि 21 अक्टूबर से लेकर के 20 अप्रैल तक जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे, जो भी एप्लीकेंट्स होंगे, उन सभी के एप्लीकेशंस को कंसीडर किया जाएगा सेमेस्टर वन के लिए। तो समझ गए आप, यहाँ पे अभी का जो ये रोलिंग एडवर्टीजमेंट है मैं सिर्फ उसकी बात कर रही हूँ, एंड देन जो एप्लीकेशंस शॉर्टलिस्ट होंगे, ठीक है, अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो वो लिस्ट आएगी फर्स्ट सेमेस्टर 25 अप्रैल या जो भी रही हो, सेकंड सेमेस्टर के लिए अभी ये है 25 ऑफ अक्टूबर, तो लिस्ट आएगी, उसके बाद आप इंटरव्यू या रिटन टेस्ट जो भी होगा वो देंगे, ठीक है? सो बेसिकली अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो येस, आप अभी कर सकते हैं, बिकॉज कट ऑफ, आई मीन रोलिंग एडवर्टीजमेंट था, दैट्स वाई इसे मैंने कवर नहीं किया था आईआईटीज के अपडेट्स वाले वीडियो में। बट आई थिंक कि अगर आप में से कोई चाहे तो आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑफ कोर्स। तो देख लीजिएगा सेपरेट नोटिफिकेशंस का, आई एम नॉट श्योर कि आते हैं या नहीं आते या क्या होगा, बिकॉज अभी तक टू बी ऑनेस्ट जब से मैंने वीडियो बनाया तब से मैंने आईआईटी जोधपुर का सेपरेट नोटिफिकेशन नहीं देखा है। तो आपको कोई आइडिया हो, कन्फर्म हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो अभी हम बाकी बातें भी करते हैं। तो देखिए पीएचडी प्रोग्राम्स फिर से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिपार्टमेंट्स। सो यहाँ पे बायो साइंसेस एंड बायो इंजीनियरिंग है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एचएसएस एंड मैथ्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग, देन फिजिक्स, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ये सभी यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है? तो अभी हम बाकी इन्फॉर्मेशन को भी देखते हैं। सो नाउ यू नो द ड्रिल, राइट? आपको बस सेम ड्रॉप डाउन में ही ऑप्शंस मिल जाएंगे, ओपन कर लीजिएगा वन बाय वन। तो डेट्स हमने देखी, अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। सो यस, नाउ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सबसे पहले कैटेगरी है पीएचडी प्रोग्राम जो रेगुलर है, फुल टाइम पीएचडी करेंगे आप इंस्टीट्यूशन से रेसिडेंशियल, फाइन। सो सबसे पहली कंडीशन है कि आपको किसी भी और प्रोग्राम में रजिस्टर नहीं होना चाहिए, ठीक है, किसी भी, चाहे पीएचडी या किसी में भी, ओके, एंड ना ही आपको फुल टाइम पार्ट टाइम एम्प्लॉय होना चाहिए। तो दिस इज़ फॉर दिस फर्स्ट कैटेगरी पीएचडी प्रोग्राम रेगुलर, ओके, रेगुलर कैटेगरी। अब क्राइटेरिया क्या है, सो 60% मार्क्स ही रिक्वायर्ड हैं, तो एप्लीकेंट्स के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। आप जिस भी सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हो, जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हो, तो उसी के अकॉर्डिंगली मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स या फिर 6
1.0 CGPA या CPI के साथ, एंड जो भी रिजर्व कैंडिडेट्स या जो PD कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, तो SC ST PD के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, 55% का है क्राइटेरिया। या फिर अगर आपके पास MBBS है साथ में MD या MS है, या BVSC है साथ में MVSC है, या BDS MDS है, या BPTH है विद MPTH, या BOTH है MOTH के साथ, या इक्विवेलेंट, तो 60% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। एंड बाकी मार्क्स के लिए लिखा है बैचलर्स के ये मार्क्स हैं, राइट, सो 60% बैचलर्स में हो। एंड इसके अलावा SC ST PD के लिए 55%, फाइन। नेक्स्ट है कि आपके पास अगर बैचलर्स डिग्री है, ठीक है, 4 ईयर ड्यूरेशन का, आपने इंजीनियरिंग साइंसेज किसी भी स्ट्रीम में आपने बैचलर्स लिया हुआ है 70% मार्क्स के साथ, तो यस, आप भी एलिजिबल हैं। सो बेसिकली डायरेक्ट PhD भी अवेलेबल है, एंड ये सारे जो डिग्रीज हैं ये हैं, तो इसमें बैचलर्स में मार्क्स रिक्वायर्ड है, मास्टर्स में कितने भी हों, एंड इसके अलावा मास्टर्स जो रेगुलर कोर्सेज हैं वो हैं, तो 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, फाइन। नेक्स्ट है स्पॉन्सर्ड एक्सटर्नल या पार्ट टाइम कैटेगरी, तो इसमें भी यही है कि आपके पास आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है, किसी भी कैटेगरी के लिए। सो बेसिकली अभी जो रूल्स भी आए हुए हैं काफ़ी सारे, जैसे PhD में पब्लिकेशन को वाले जो नोटिफिकेशन था उसे विड्रॉ किया गया है, तो उन सारे नोटिसेस को भी हम डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली व्हाट द थिंग इज़ कि एक साथ दो प्रोग्राम्स आप नहीं कर सकते अगर आप PhD कर रहे हैं, PhD के साथ कोई भी और प्रोग्राम रेगुलर नहीं कर सकते हैं आप, इसे ध्यान में रखिएगा। ओके, सो यस, मार्क्स का क्राइटेरिया सेम है, 60% मार्क्स रिक्वायर्ड है अगर आपने मास्टर्स किया है, तो मास्टर्स में 60% हो, या इनमें से कोई डिग्री है तो 60% बैचलर्स में होने चाहिए, या फिर आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर PhD आफ्टर योर बैचलर्स। सो बैचलर्स डिग्री अगर 4 ईयर वाली है तो आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स हैं। सो सबसे पहले 2 ईयर्स का आपके पास वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है, सपोज मास्टर्स है, ठीक है, एमटेक है, या जो भी है, तो एमटेक के बाद जस्ट बाद आपने 2 ईयर्स का वर्क एक्सपीरियंस लिया हो, आप काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, एम्प्लॉयड हो आप इंडस्ट्री, R&D लैब या अकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में रजिस्ट्रेशन के टाइम तक, ठीक है, 2 साल हो जाने चाहिए, ना आप अभी भी कर रहे हो बेसिकली। नेक्स्ट है कि यस, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा इन रिटर्न या इंटरव्यू जो भी होगा IIT जोधपुर का। नेक्स्ट है उन इंडियन नेशनल्स के लिए बेसिकली जो कि बाहर रहते हैं, ठीक है, तो NRI या INRA एंड फॉरेन नेशनल्स। सो आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा अगर आपको इंटरेस्ट हो यहाँ पे अप्लाई करने में। मार्क्स का तो एज सच क्राइटेरिया नहीं लिखा है, आई थिंक सेम ही चीज़ें फॉलो होंगी, एंड बैचलर्स डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्राइटेरिया, एंड अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो इसमें जो प्रोग्राम डिटेल्स का ऑप्शन था, जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये प्रोग्राम्स के बारे में बताया गया है कि साइंसेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स है, PCM है, इंजीनियरिंग में हमने डिस्कस किया ही है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, केमिकल, MME, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSE एंड BSB है। ओके, इंटर डिसिप्लिनरी एरियाज कौन कौन से हैं, सो रोबोटिक्स एंड मोबिलिटी सिस्टम्स, साइंस ऑफ इंटेलिजेंस, डिजिटल ह्यूमैनिटीज, IoT एंड एप्लीकेशंस, क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, HSS है, मैनेजमेंट है। तो एक बार ओपन करेंगे, अगर एरियाज बताए गए हैं तो हम इसे भी देख लेंगे कि HSS में कौन कौन से डिसिप्लिन अवेलेबल हैं। सो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन था फी स्ट्रक्चर का, जो कि लेटेस्ट है 2022-2023 सेशन के लिए। सो फॉर हॉस्टलर्स एंड डे स्कॉलर्स आप यहाँ पे फी देख सकते हैं। डे स्कॉलर होते हैं जो हॉस्टल में नहीं रहते हैं, हॉस्टलर तो आपको पता है जो हॉस्टल में रहते हैं। सो यहाँ पे ग्रांड टोटल की हम बात करते हैं, फिर हॉस्टलर्स इट इज़ 39,050 रुपीज़, ओके, एंड फॉर डे स्कॉलर्स इट इज़ 31,800, राइट। एडमिशन फीस ए वन टाइम होती है, एंड बाकी सेमेस्टर फी हर बार आपको देनी पड़ती है हर सेम में, एंड बाकी रिफंड डबल डिपॉजिट है 8,000 का, एंड ट्यूशन फी एज पर अनेक्श्योर वन बोला गया है, एंड दिस इज दी अनेक्श्योर वन। ओके, सो इसमें हम PhD का देख लेते हैं। सो फॉर PhD रेगुलर इट इज 10,000, स्पॉन्सर्ड या पार्ट टाइम के लिए 20, एंड एक्सटर्नल के लिए भी इट इज 20,000। ओके, सो एड ऑन कर लीजिएगा, एंड बाकी यहाँ पे और भी जो पॉइंट्स हैं उन्हें एक्सप्लोर कर लीजिएगा, फी को अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, एंड यस, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन। सो नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन। सो कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन दिख रहा है आपको, आप अकॉर्डिंगली फॉर PhD प्रोग्राम्स डिपार्टमेंट वाइज ईमेल IDs एंड कॉन्टैक्ट नंबर्स बताए गए हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है आप इस ईमेल ID या इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हैं, ठीक है। सो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, FAQs भी हैं तो FAQs को भी देख लीजिएगा, एंड एक बार हम एप्लीकेशन पोर्टल देख लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ।
सो यस, नाउ ये लास्ट सेक्शन है अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लिंक दिख रही है, ठीक है, एक्चुअली दिख नहीं रही है बट हाँ इसे आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा। एडमिशन्स के टाइम ये एक्टिवेट हो जाता है एंड क्योंकि रोलिंग एडवर्टीजमेंट है तो हर टाइम होता है। एप्लीकेशन फी है ₹300 फॉर जनरल ओबीसी एप्लीकेंट्स एंड इट इज़ 150 फॉर एससी एसटी पीडी एप्लीकेंट्स, ठीक है। ऑनलाइन ही सारी चीज़ें करनी है, फी वगैरह एंड एप्लीकेशन फॉर्म भी ऐसे सेंड नहीं करना है, बट जब आप रिटर्न या इंटरव्यू के लिए जाएंगे कॉल होगा तब आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ले जाना होगा, ठीक है, ड्यूली साइन, साथ में गेट स्कोर कार्ड होगा एंड रिटर्न के टाइम। तो गेट स्कोर कार्ड क्योंकि लेकर जाना है तो इट सीम्स कि यस ये मैंडेटरी है, कहीं पे मेंशन नहीं किया गया था जैसा कि आपने देखा क्राइटेरिया में, बट स्टिल आई थिंक इट इज़ मैंडेटरी। सो अगर कोई पीडीएफ मिलता है रूल्स ऑर्डिनेंस समथिंग तो मैं वो शेयर कर दूंगी टेलीग्राम पे, यस हमारा टेलीग्राम चैनल है, सो आप देख लीजिएगा अबाउट सेक्शन या कैरियर इन्फो पीएचडी सर्च कर लीजिएगा एंड अदरवाइज आप एक बार क्वेरी कर लीजिएगा, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कि गेट मैंडेटरी है या नहीं, तभी अप्लाई करेगा। ओके एंड आई थिंक येस दैट इज़ इट फॉर टुडे एंड वन मोर थिंग लास्ट पक्का, यहाँ पे भी ईमेल आईडी गिवन है तो ये है क्वेश्चंस के लिए ही, तो आप इनसे ऐसे जनरल क्वेरीज भी कर सकते हैं, ठीक है, डिपार्टमेंट को भी बट यहाँ पे भी ट्राई कर सकते हैं। सो यस फाइनली दैट इज इट फॉर टुडे, ये था आज का वीडियो, आई होप हेल्पफुल लगा होगा, इफ यस देन डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कोई भी इशू है, कोई भी सजेशन है, कोई करेक्शन है, सो डू लेट मी नो दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दैट इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।